टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल सिंपल से मेथड्स हैं, समटाइम्स एग्जाम के अंदर इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और छोटी क्लासेस से आप इनको पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट हम इनको कंपाइल करने वाले हैं, राइट? तो हमारे पास हैं टोटल 9 मेथड्स: फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देन वैक्यूम डिस्टिलेशन, और इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, देन स्टीम डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट क्रोमेटोग्राफी। नाउ व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। इस प्रोसेस को डेली आपके किचन में यूज किया जाता है बहुत से कामों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, चाय बनाते हैं, उसमें जो भी घुलने वाली चीजें होती हैं, चाय में हम चीनी डालते हैं, वो डिजोल्व हो जाती है, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जो हम टी लीव्स डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, वो तो नहीं घुलती, वो सिर्फ अपना कलर और फ्लेवर सॉल्यूशन के अंदर छोड़ देती है। फिर आप क्या करते हो, क्या उसको बिना छाने पी लेते हो? नहीं, आप छन्नी का यूज करते हो, आप उस चाय को फिल्टर करते हो, ठीक है? कुछ लोग फिल्टर कॉफी बनाते हैं, सेम तरीका। तो इसको हमने फिल्टर किया, कुछ चीजें छन्नी के अंदर आ गई और उसमें से चाय जो है वो आपके कप में चली गई, ठीक है? तो जो सॉल्युबल कंपोनेंट है, वो जो भी हमने फिल्ट्रेशन के लिए इक्विपमेंट यूज किया होगा, उसमें से क्रॉस होके सॉल्यूशन के साथ चला गया, और जो इनसॉल्युबल है वो ऊपर ही रिटेन हो जाता है। तो दिस वॉज द सिंपल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन विच वी आर यूजिंग इन आवर किचन। तो अब देखो, इसमें अब थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। क्वाइट ऑब्वियस, ये मेथड उनके लिए यूज किया जाता है जिनमें से एक कंपोनेंट गिवन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा और एक इनसॉल्युबल होगा, तभी तो आप उनको हटा सकते हो ना वहां से। तो मेरे पास जैसे ये एग्जांपल है नेप्थलीन एंड यूरिया। तो ये जो नेप्थलीन है, इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर। और ये जो यूरिया है, खाद है, खेतों में डालते हैं, दिस इज सॉल्युबल इन वॉटर, ठीक है? बाय चांस ये दोनों मिक्स हो गए, गलती से एक दूसरे के सामान में गिर गए, अब क्या करें, इनको सेपरेट कैसे करें? पानी डाला, पानी के अंदर यूरिया घुल गया, ठीक है? ये पूरा मिक्सचर था, हमने इसको पानी में घोल लिया, कुछ पोर्शन घुल गया, कुछ नहीं घुला। फिर हमने क्या किया, थिसल फनल ली, थिसल फनल के अंदर एक फिल्टर पेपर लगाया, यहां मैंने लिखा है फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर को इस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है? तो फिल्टर पेपर लगाया, ये सॉल्यूशन इधर शिफ्ट किया, तो हमारे पास इस पानी के अंदर यूरिया पहुंच गया और जो इनसॉल्युबल पोर्शन है नेप्थलीन, वो कहां रह जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, तो इसको इतना सीरियसली मत लेना कि पता नहीं क्या लिखना है इसके अंदर। सो वेरी सिंपल सिंपल प्रोसीजर। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द सॉल्युबल कंपोनेंट इन द गिवन मिक्सचर, इन द गिवन सॉल्यूशन, इन द गिवन मिक्सचर ही रखो, इन द गिवन मिक्सचर, ठीक है? जो मिक्सचर आपको दिया गया है उसमें से आप सेपरेट करेंगे। तो अब जब हमने फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन एंड यूरिया ये पानी में डालेंगे, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड यूरिया इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन नेप्थलीन बीइंग इनसॉल्युबल, क्योंकि ये इनसॉल्युबल था, बीइंग इनसॉल्युबल रिमेन्स ऑन फिल्टर पेपर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, फिल्टर पेपर। इसी तरीके से मेरे पास एक और एग्जांपल है। पेपर में कई बार पूछा होता है, हाउ विल यू सेपरेट नेप्थलीन एंड यूरिया? तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, वी कैन मेक यूज ऑफ वॉटर एज सॉल्वेंट, ठीक है? तो इस प्रोसेस के लिए हमने वॉटर को सॉल्वेंट की तरह यूज किया, वॉटर सॉल्वेंट, यहां लिख लो, यहां नहीं लिखना तो आप इसकी ब्रैकेट में भी लिख सकते। तो अब एंथ्रासीन,
इट इज वॉटर इनसॉल्युबल. बेंजोइक एसिड इट इज वॉटर सॉल्युबल. बेंजोइक एसिड पानी में घुल जाता है. तो क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू सेपरेट एंथ्रासीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड. तो यू कैन यूज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन. ये मेथड, ये प्रोसेस आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो. ठीक है, अभी जो बच्चे इस साल प्लस टू में हैं उनको पता है लास्ट ईयर हमने ड्यूरिंग विंटर वेकेशन ये सारे काम किए थे. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं और उस तरीके से हम क्रिस्टल्स किस तरीके से बनाते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी. ये प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है तो वो प्योर नहीं है, तभी हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं. तो उसके साथ क्या होगा? इंप्योरिटीज. ठीक है, सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स इंप्योरिटी. ठीक है, दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है. दैट इज द बेस फॉर क्रिस्टलाइजेशन. ठीक, सबसे पहले इनके स्टेप्स देखिए. सॉल्वेंट हमें सूटेबल लेना पड़ेगा क्योंकि हर चीज पानी में भी नहीं घुलेगी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे पानी में भी नहीं घुलेंगे. तो जो भी आप सॉल्वेंट लें, सबसे पहला स्टेप प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन. बड़ी ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स में हैं. ठीक, तो प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टेप नंबर वन, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट. आपने बढ़िया सा सॉल्वेंट चूज कर लिया, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, और उसके अंदर आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है आपने उसको घोल लिया. ठीक है, यू डिसॉल्व दैट. ऑन द सेकेंड स्टेप, अब घोला तो कुछ इंप्योरिटीज भी हैं, तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर बीकर में आपने सॉल्वेंट लिया और उसमें जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया था वो आपने इसमें डाल दिया. अब ये बन गया सॉल्यूशन. इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इंप्योरिटीज भी है. सेकेंड स्टेप, आपने नीचे रखी चाइना डिश और एक थिसल फनल लिया. थिसल फनल को आपने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स किया, ऐसे ही हम करते थे. इसके अंदर फिल्टर पेपर का ऐसे चार फोल्ड लगा के उसकी कीप्सी बनाते हैं और उसके बीच में एडजस्ट कर देते हैं. अब ये जो सॉल्यूशन है इधर शिफ्ट किया, तो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन आया और जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज है वो इधर ही रह जाएंगी. ओके, अब इस चाइना डिश को मैंने उठाया. नेक्स्ट स्टेप, इस चाइना डिश को हमने रख दिया बंसन बर्नर के ऊपर. ठीक है, यहां पे हमने फायर लगा रखी है और ये आपको पता है हम ऐसे एक नेट सा रखते हैं, जाली सी होती है, उसके ऊपर इसको रख दिया और इसको हीट करते जाते हैं. कब तक? जब तक चाइना डिश की साइड में थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल लगना शुरू नहीं हो जाता, तो दैट बिकम्स क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट. आप ग्लास रॉड के साथ भी चेक करते हो, आपने ग्लास रॉड इसमें डिप की, बाहर निकाला, उसको फूंक मारी और अगर थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके ऊपर जम रहा है, इट मींस क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है. ओके, तो हीटिंग बंद कर दीजिए. नॉर्मली क्या होता है, सॉल्वेंट कम से कम लेना होता है. जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. ज्यादा लेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आने में टाइम लगेगा. अब उसको हटाया, दो तरीके हैं, या तो चाइना डिश को ऐसे टेबल पर रख के चले जाओ, लेकिन जब आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, 3 घंटे का आपका प्रैक्टिकल है, आपको उसी में क्रिस्टल्स बनाने हैं, तब आप क्या तरीका लगाते हो, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखा, फिर आप एक बीकर में पानी लेते हैं, सिंपल वाटर, ऊपर तक उसको भरते हैं और चाइना डिश को ऐसे रख देते हैं, सो दैट इसकी कूलिंग से वो क्रिस्टल्स जल्दी बन जाए. और थोड़ी देर के बाद आप देखते हो इस चाइना डिश के अंदर, अब मैं चाइना डिश को बड़ा कर देती हूं, ऐसे जो शेप के क्रिस्टल इसके बनने होंगे, क्रिस्टल आ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी भी रहता है. फिर हम क्या करते हैं, इसको निथार लेते हैं, धीरे धीरे उसको टिल्ट करके, जैसे घर में चावल धोते हैं ना, पानी डाला, उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, पानी निकल जाता है, चावल पतीले में ही रहते हैं, वो नहीं बाहर जाते. वैसे ही इसको निथार लिया, फिर आपने क्रिस्टल्स को निकाला. अब हम कहां पहुंच गए, फिल्टर कर लिया, क्रिस्टलाइजेशन यहां तक, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, ठंडा होने के लिए रखा, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन.
फिर आपने सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स करना है। आप पानी को निथार दिया, क्रिस्टल्स को निकाल लिया, फिर आपको उसको ड्राई करना है। ड्राई कैसे करेंगे? धूप में नहीं रख के आना, आप लेंगे एक फिल्टर पेपर और क्रिस्टल्स को उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, फिर इस फिल्टर पेपर को फोल्ड किया धीरे धीरे, जोर से लगाएंगे तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे उसको टैप करेंगे और सुखा लेंगे। फिर आपने देखा कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, अगर तो जो उसका नॉर्मल कलर है उसी कलर में है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कलर आ गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंप्योरिटीज के अलावा कुछ और भी चीज एडेड थी जिसने अपना कलर छोड़ दिया, फिर आपको क्या करना? रिमूवल ऑफ कलर। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स हो गया, अब उसमें कलर आ गया, अब आपको रिमूवल ऑफ कलर करना है। तो जिस सॉल्वेंट में आपने शुरू में उसको डिजोल्व किया था, अगेन इन बने बनाए क्रिस्टल्स को उसमें डालिए, फिर से पूरा प्रोसीजर लगाइए क्रिस्टलाइजेशन का। दैट इज वाई इट विल बी नोन एज रीक्रिस्टलाइजेशन। फिर आपके प्योर एंड ड्राई क्रिस्टल्स तैयार हो जाएंगे। अब देखो, इसमें जो इम्प्योरिटी है, क्रिस्टल जब भी बनेगा उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। आप जब प्लस टू में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, उसके अंदर आप जानेंगे कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टल्स की अपनी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, तो उसमें जैसे एक के बाद दूसरा लगेगा, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, तो जो कंपोनेंट है वही लगेगा ना, इम्प्योरिटी उसकी जगह नहीं ले सकती। इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन से हम इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। आपको पता है सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है? जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में वो नहीं जाता, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो आप ये जो भी लिखेंगे उसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू इट्स गैशियस फॉर्म बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से पहले होना चाहिए, अदरवाइज ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड से जब गैस बनती है उसको हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, अब ये प्रोसेस हम किसके लिए यूज करेंगे? हमारे पास हमेशा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, उनमें से जो वोलाटाइल है, जो जल्दी से हीट करने पे उड़ जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको उसके दूसरे इंप्यूरिटी से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो दो तरह के कंपोनेंट है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। ये रहा वोलाटाइल, ये है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो आसानी से उड़ जाए, नॉन वोलाटाइल जो हीट करने पे नहीं उड़ता है। आप नमक को हीट कीजिए, नॉन वोलाटाइल। लेकिन अगर आप कैम्फर को आप यूज करते हो ना, ठीक है, टैबलेट्स होती हैं आपके घरों में, हवन में डालते हैं, इस चीज को यूज किया जाता है। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को सेपरेट करते हैं। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्लाइमेबल मतलब वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज वहीं रह जाएंगी और जो हमारा कंपोनेंट है वो ऊपर उठ जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर इंप्योरिटीज। तो चार कंपाउंड है जिनको उनकी इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन यूज करते हैं। दिस इज वन मार्क क्वेश्चन, राइट? कैम्फर के लिए भी सेम प्रोसेस, नेफ्थलीन के लिए भी, एंथ्रासीन के लिए भी और बेंजोइक एसिड के लिए भी। ठीक है, चार हैं और अपनी अपनी इनकी इंप्योरिटीज। प्रोसेस बहुत सिंपल। आप एक चाइना डिश लीजिए, उसमें आपने कैम्फर के पीसेस डाल दिए, ओके, उसके ऊपर एक थिसल फनल इन्वर्टेड रख दी, उल्टा के रख दी, तो ये लॉक हो गया उसका माउथ, जो इसका चाइना डिश का माउथ है वो लॉक हो गया। यहां ऊपर छोटा सा कॉटन का प्लग लगा दीजिए सो दैट वेपर बाहर ना जाए। हीट करो, इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद आप देखेंगे कैम्फर इधर आके ऐसे जाला सा बन जाता है, सारे का सारा कैम्फर वेपर फॉर्म में ऊपर उठेगा, बाहर जा नहीं सकता, तो यहां आके वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। इसको ऐसे करके इन्वर्ट करो, यू विल गेट द सेम। घर के अंदर आप तवे पे रखिए कैम्फर को धीमी आंच पे, उसके ऊपर एक बड़ी सी कटोरी रख दीजिए, यू विल गेट द सेम। क्योंकि
कैम्फर जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, बाहर जाने की उसको जगह नहीं मिलेगी, तो थोड़ा ऊपर उठेगा जहां हीट कम है, जैसे ही वो ठंडा होगा तो पूरे का पूरा कैम्फर ऊपर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट मेथड नंबर 4, डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, नमक से पानी को कैसे अलग करते हैं। जो हमारे सी शोर्स हैं जहां पे नमक बनता है, सॉल्ट बनता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस ही तो लगाते हैं। हाँ, वहां पे डिस्टिलेशन प्रॉपर नहीं लगाते हैं, वहां पे इवेपोरेशन कर देते हैं। तो डिस्टिलेशन का एक सेट प्रोसीजर है, लिक्विड, लिक्विड को हम हीट करेंगे और बना लेंगे वेपर्स, फिर वेपर्स को कूल करेंगे और फिर से क्या बना लेंगे, लिक्विड। तो ये जो बारिश गिरती है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्टिलेशन। हीट की वजह से वाटर वेपर्स, डिफरेंट वाटर बॉडी से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेट इवेपोरेटेड, ऊपर गए, कंडेंसेशन हुई, बारिश फिर से वापस। आपको पता होगा रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट वाटर होता है रेन का। आप अगर इसको किसी कंटेनर में स्टोर करके रखें ना, तो उसमें से स्मेल नहीं आती है। नॉर्मली जो हमारे टैप वाटर्स हैं, कुछ दिनों तक आप उसको रखेंगे तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ऐसे फंगस फंगस ही लग जाती है ना, सोपी टच आ जाता है उसमें, लेकिन बारिश के पानी में नहीं आता। और जो हमारी गाड़ियों की बैटरीज हैं, मैक्सिमम जो बैटरी चार्ज करते हैं, दे मेक यूज ऑफ रेन वाटर। जब बारिश होती है, दे कलेक्ट दैट वाटर, प्योरेस्ट होता है, क्योंकि नदी नालों में से सॉल्ट तो कोई जाएगा नहीं, नो डाउट दैट इज हैवी वाटर, लेकिन जब गर्मी की वजह से वाटर इवेपोरेट होगा, ओनली प्योर H2O कंपोनेंट दैट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम एनी वाटर बॉडी, चाहे कितना भी हैवी वाटर क्यों ना हो, ठीक है। वहां से सिर्फ यही उठेगा, डिस्टिलेशन होगी और वापस कंडेंस होके जमीन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मॉनसून्स, आपको पता है सारे का सारा पानी कहां से आता है, बादल कहां से आते हैं, सी से, है ना, वहीं से इवेपोरेशन ऊपर होती है, मॉनसून्स वहीं से तो आती हैं। तो कभी ऐसा होता है आपके घर में बारिश हुई और पानी नमकीन था? नहीं, क्योंकि नमक तो समंदर में ही रह जाएगा, सिर्फ प्योर H2O ही ऊपर उठेगा एज वेपर। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन के अंदर। तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है लिक्विड, ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होती है, लिक्विड खुद नहीं टूटेगा, और उसके अंदर नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटीज है। ओके, हमने क्या किया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, ठीक है, सील किया उसको, और जहां इधर से हमने उसको अटैच किया है आगे जिस भी गैस जार में या जिस भी कंटेनर में हम उसको कलेक्ट करने वाले हैं, जैसे ही इसको हीट करेंगे ये मटेरियल बॉयल करेगा, तो वेपर किसके जाएंगे, सिर्फ लिक्विड के। जो इंप्योरिटी है वो तो नॉन वोलाटाइल है, वो तो इसी में रहेगी, वो थोड़ी ना वेपर बनेगी, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे, उनको जैसे जैसे जगह मिलती जाएगी वो आगे पहुंच जाएंगे, ठीक। इधर हमने उसको कूल कर लिया, तो वाटर वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और उसको फिर हम अलग कंटेनर में निकाल लेंगे। दिस इज डिस्टिलेशन, लिक्विड को वेपर बनाया, वेपर को वापस लिक्विड बनाया, दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। यही लिखा है, सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ अ लिक्विड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब तक ये बॉइल करना शुरू ना कर दे, सो दैट इट इज कन्वर्टेड टू इट्स वेपर्स। फिर ऑन कूलिंग द वेपर्स, वेपर्स को कूल किया, द लिक्विड इज अटेन्ड एंड इंप्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। सबसे सिंपल प्रोसीजर। तो इसका जो हम यूज करते हैं, जिस यूज के बारे में आप सभी जानते हो, अगर नमक हमारे पास आ जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर आप दोनों को अलग कर सकते हो, नो डाउट। अगर अकेला सॉल्ट चाहिए तो आप इवेपोरेशन लगा दो, लेकिन अगर आपको पानी चाहिए, नमक और पानी को अलग अलग आपको चाहिए, तो डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी आपको अलग निकाल के रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेयर्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, और उसी बेस पे हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द mixtures, can be used for the mixtures
हैविंग सफिशियंट डिफरेंसेस. मिक्सचर कौन से होंगे? लिक्विड्स, तभी डिस्टिलेशन होगा ना. हैविंग सफिशियंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए. तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा उसके वेपर अलग कर लो, दूसरा कंटेनर में कौन बचेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. लो वाला पहले आएगा ना, हाई वाला कंटेनर में ही रह जाएगा. अब जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट इज 334 केल्विन एंड एनिलीन. क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, एनिलीन का रहता है 457 केल्विन. तो आप देख लो दोनों में डिफरेंस है. जैसे ही 334 केल्विन टेम्परेचर आएगा क्लोरोफॉर्म के वेपर्स ऊपर उठने शुरू होंगे और हम इनको सेपरेट कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे पास पेयर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, दैट इज ईथर एंड टोलुइन. सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पल ईथर, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट इज 308 केल्विन और इसके साथ रहेगा टोलुइन एंड टोलुइन. टोलुइन का है 384 केल्विन. अगेन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है. देन बेंजीन, थर्ड सेट इज बेंजीन. बेंजीन का है 353 केल्विन एंड बेंजीन के साथ एनिलीन. एनिलीन का 457 केल्विन. तो सच टाइप ऑफ 1, 2 एंड 3, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. इन लिक्विड्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन के, सिंपल डिस्टिलेशन से. ठीक है. विच आर हैविंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. अब देखो डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपने डाला ईथर और टोलुइन, दोनों मिक्स हो गए. बाय चांस गलती से ईथर की बॉटल में टोलुइन डाल दिया, ओ माय गॉड, अब क्या करें? कोई बात नहीं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 84 डिग्रीज का और ऑलमोस्ट 78 डिग्रीज का डिफरेंस है. ठीक है. दोनों के टेम्परेचर के अंदर 76 डिग्रीज का डिफरेंस है. राइट, 308 384, तो 70-80 का डिफरेंस बहुत ज्यादा है. आपने इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया. ओके. अब जब इसको हीट करना शुरू किया, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर दोनों चीजें हैं, इसमें ईथर भी है और टोलुइन भी है. ईथर के वेपर 308 पे बनने शुरू हो गए, ईथर बाहर आना शुरू हो गया. ठीक है. इसको हमने ईथर कंटेनर के साथ अटैच रखा है. तो 308 पे वेपर आने शुरू हुए, आप हीट करते गए, कॉन्स्टेंट कर दी हीट, निकलते गए. फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर और बढ़ाया और कितना कर दिया, लेट इट बी 320, कि चलो 308 उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो कुछ रह गए होंगे पार्टिकल्स ईथर के वो भी इवेपोरेट हो गए. फिर आप 350 तक हीट करते जाओ, एक आधा वेपर कोई है तो वो आ जाएगा. कंटेनर को साइड में कर लीजिए. अब ईथर आपका सेपरेट हो गया, और क्योंकि टोलुइन के वेपर कब आएंगे, जब टेम्परेचर 384 होगा, वहां तक हमने हीट ही नहीं करना, क्योंकि इसका तो नो डाउट 308 के ऊपर ये सारा सेपरेट हो जाएगा. लेकिन फिर भी एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन हमने उसको 10 डिग्री अप टेम्परेचर पे भी हीट कर लिया, तब भी कोई वेपर एक्स्ट्रा जब नहीं आ रहा है, तो अब ईथर और टोलुइन सेपरेट हो चुके हैं. सेम तरीका आप इनके लिए लगाएंगे, तो ऑलमोस्ट 100 डिग्री का डिफरेंस आ गया, 353 एंड 457. तो बड़ी आसानी से इन लिक्विड्स को हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन क्या हो अगर इनका जो डिस्टिलेशन का पॉइंट है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, वो 10 या 20 डिग्री हो, तब क्या करेंगे? इवन उस प्रोसेस के लिए भी हमारे पास मेथड है, एंड दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नेक्स्ट, फिफ्थ मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन तो आपको पता है, लेकिन अब हमारे पास मिसिबल लिक्विड है,
अलग अलग लिक्विड्स हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं बड़े आराम से, और उनके जो कंपोनेंट्स हैं ए बी सी डी जस्ट 10 to 20 केल्विन का डिफरेंस है। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हमने पहले जो किया दैट वाज 70, 80, 100 डिग्री का डिफरेंस था, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से आराम से सेपरेट कर रहे थे। लेकिन अब जो लिक्विड मिक्स हो गया उसका तो जो कंपोनेंट्स हैं उनके डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दे आर जस्ट 10 to 20 केल्विन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको बताने वाली हूं, आप एकदम से पकड़ जाओगे मैं किसके बारे में बात करने वाली हूं। तो देखो, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, या मैं ये कहूं सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम कंपोनेंट्स, ठीक है, जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, क्रूड ऑयल, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कच्चा तेल, ठीक है। अब उसमें से पेट्रोल भी निकलेगा, उसी में से डीजल भी निकलेगा, उसी में से एसीटोन भी निकलेगा, उसी में से जो हम एरोप्लेन्स में यूज करते हैं व्हाइट पेट्रोल भी निकलेगा, देन ईथर भी निकलेगा, ड्राई क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट वहीं से निकलेंगे, कच्चे तेल में से, क्रूड ऑयल में से। और इन सभी के बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर हल्का हल्का डिफरेंस है, डीजल और पेट्रोल ऑलमोस्ट सेम जैसा रहता है। तो आपने देखा होगा डीजल इंजन अलग से काम करता है, पेट्रोल इंजन अलग से काम करता है। मार्केट में गाड़ियां हैं भाई, डीजल इंजन महंगी होती है पेट्रोल इंजन के कंपैरेटिव, ठीक है। तो कैसे इसको अलग करेंगे, देखिए, इस प्रोसेस के लिए हमारे पास अब जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है अब वो इतना सिंपल नहीं होगा। इसमें हमने मिक्सचर डाल दिया, लेट इट बी पेट्रोलियम, मान लेते हैं कि पेट्रोलियम ही डाल दिया, और अब इसके डिस्टिलेशन के ऊपर व्हाट वी आर हैविंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या मतलब है मैं अभी बात करती हूं इसके बारे में आपसे, ठीक है। अब देखो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के आगे आप देख रहे हो ये अलग अलग चैनल्स हैं, ठीक, अलग अलग चैनल्स हैं। अब देखिए यहां से जब आप इसको हीट कर रहे हो, हीट करते करते सबसे हाई टेम्परेचर कहां पे होगा, यहां पे। मान लेते हैं कि इस जगह पे टेम्परेचर है 40, नजदीक है, लेट इट बी 340, उसके ऊपर 330, उसके ऊपर 320, उसके ऊपर 310, अगर इसके ऊपर एक कॉलम और है, हम पांच कंपोनेंट अलग कर रहे हैं, तो लेट इट बी 300। ये टेम्परेचर की रेंज है कि जब यहां तक वेपर पहुंचा, इस जगह तक वेपर पहुंचा तो कौन सेपरेट होगा, यहां पहुंचेगा तो कौन सेपरेट होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हीट किया, वेपर के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वेपर्स ऊपर उठेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, मैंने आपसे बात की थी कि क्रूड ऑयल से हम अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। क्रूड ऑयल मतलब अनप्रोसेस्ड ऑयल, ब्लैक गोल्ड, या तो ये डायरेक्ट लैंड से निकाला जाता है और फ्रॉम द सी, हमारी कंट्री में भी है ना ट्रॉम्बे के पास, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए पेट्रोल दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पेट्रोल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन इट। तो एक कार्बन की चेन, दो कार्बन की, चार कार्बन की, इवन प्लास्टिक तक हम इससे बनाते हैं। तो देखो ये जो क्रूड ऑयल है इसमें से इसके कंपोनेंट्स को जब हमें अलग अलग करना है तो हम किस मेथड को यूज़ करने वाले हैं, येस दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि इसके जितने भी कंपोनेंट हैं एक दूसरे से, उनको फ़र्क क्या है, सिर्फ मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी अलग अलग चेन्स हैं। पेट्रोल है क्या, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद डिफरेंट चेन लेंथ्स, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम में से ही पेट्रोल निकलेगा। तो वो जो अलग अलग चेन्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की, जब कलेक्टिवली प्रेजेंट हैं एक दूसरे के साथ वो जुड़ी हुई हैं, तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में जुड़ते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनको जोड़ने के लिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने के लिए कम एनर्जी लगती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है।
तो कार्बन की चेन जितनी बड़ी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इनको होल्ड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। देयरफोर दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब देखिए इस बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दैट इज़ द बेसिक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए अलग अलग कॉलम्स होते हैं। तो ये सबसे बॉटम के ऊपर लेफ्ट साइड से हमने हीटेड क्रूड ऑयल एंटर किया। बॉटम के ऊपर रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जा रहे हैं वो ब्लू टोन में आ रहा है, मीन्स ऊपर जाते जाते टेम्परेचर लो हो रहा है, क्योंकि हीट तो हम नीचे कर रहे हैं ना उसको। तो देखो ये जो ब्लैक ब्लैक भर रहा है बाइट्यूमिन, ये वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जिससे हम सड़कें बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, लुक बोलते हैं ना इसको, तो तारकोल, तो इसको हम यूज़ करते हैं सड़कें बनाने के लिए। तो आप देखो जैसे जैसे हीटिंग का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, सबसे नीचे हमारे पास आएगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेप्थलीन, ठीक है। सबसे नीचे है डीजल, देन केरोसिन, नेप्थलीन, पेट्रोल और बाकी गैसेस, ठीक। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वो कहाँ मिलेंगे हमें, ऊपर लो टेम्परेचर 20 डिग्री, 20 to 70 पे हमें पेट्रोल मिल जाता है, 70 से 160 पे नेप्थलीन मिल जाता है, केरोसिन 160 से 250, डीजल 250 से 350 और बाइटोमिन जिसको हम तारकोल बोलते हैं 350 से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर कलेक्टेड टुगेदर, जैसे पेट्रोल है, देन नेप्थलीन है, ठीक है, इसके अलावा केरोसिन है, ठीक है, और डीजल है, डीजल भी गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं, बाइटोमिन है, इससे हम सड़कें बनाते हैं, तारकोल जिसको आप बोलते हो वो ब्लैक कंपोनेंट, और तारकोल में से भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लंबी चेन से लेके छोटी चेन तक, एंड दीज आर यूजफुल फ्रैक्शंस विद सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो एक जैसी फ्रैक्शंस होंगी, पेट्रोल की अलग होंगी, डीजल की अलग होंगी, तो स्मॉलर चेन मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टॉप पे मिलेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, और लार्ज चेन मॉलिक्यूल्स नीचे विद हायर बॉइलिंग। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर यूज हम डिस्टिलेशन फ्लास्क ही करेंगे। आपने अपनी बुक्स के अंदर इसका डायग्राम देखा होगा, ठीक है। हम यूज इसी को करने वाले हैं और इसमें हमने डाल दिया लिक्विड जिसको हम सेपरेट करने वाले हैं, और इनके लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज हैविंग डिफरेंस ऑफ 10 to 20 केल्विन। ओके, अब इसको कनेक्ट किया होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ। इट हैज बीन कनेक्टेड टू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। और फिर इसको आगे कंडेंसर लगा होता है, वाटर का कंडेंसर लगा होता है, और ये जो वेपर्स यहां से निकलेंगे, यहां से पहुंच कर अलग कंटेनर के अंदर हम उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहां से वाटर का इंटेक होता है, यहां से बाहर निकालते हैं, ठीक। आपने इसके डायग्राम देखे होंगे अपने बुक्स के अंदर, ठीक है। इधर फिर हम जिस भी कंटेनर में इसको सेपरेट कर रहे हैं दैट कंटेनर इज अवेलेबल देयर, ठीक, इस तरीके से। अब देखो हमारे पास लिक्विड बेसिकली लेट इट बी ऑफ टू टाइप्स। मैं दो कंपोनेंट लेके चल रही हूं, एक है ए और एक है बी। ए वाला जो है इट इज मोर वोलाटाइल, एंड बी वाला जो है इट इज लेस वोलाटाइल। समझ गए बात, इट इज लेस वोलाटाइल। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, इट विल गेट इवेपोरेट अर्लियर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये जल्दी इवेपोरेट होके वेपर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज हाई बॉइलिंग, राइट, जल्दी बॉइल कर जाएगा, इट इज हाई बॉइलिंग। ये लेस वोलाटाइल है, इट इज लो बॉइलिंग, धीरे बॉइल करेगा, इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे ही हमने हीट किया तो जो हाई बॉइलिंग लिक्विड है उसके वेपर सबसे पहले निकलेंगे। और याद रखना जो हाई बॉइलिंग लिक्विड होगा, हाई बॉइलिंग लिक्विड कंडेंसेस फर्स्ट, कंडेंसेस फर्स्ट, सबसे पहले वही निकलेगा जिसकी वोलाटिलिटी ज्यादा होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हाई बॉइलिंग मींस लेस बॉइलिंग पॉइंट, राइट, ये सबसे पहले निकलेगा। तो ये जैसे ही वेपर बन के गया, कंडेंस हुआ, कंडेंस हुआ मतलब कूल हुआ, तो जितनी उसकी हीट थी वो कहां गई, वापिस इस कंटेनर में।
तो वो हीट किसने एब्जॉर्ब की? लेस वोलाटाइल लिक्विड के पार्टिकल्स ने, वो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की, एंड दे रिमेन इन वेपर फॉर्म, इसी एरिया में वो वेपर फॉर्म में ही कन्वर्टेड रहेंगे। फिर जो लो बॉइलिंग के पार्टिकल्स हैं वो तो निकल के उधर कंडेंस होते जाएंगे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो इधर से निकलेंगे कंडेंस होते जाएंगे। अल्टीमेटली जब आप काम खत्म करेंगे, लेस वोलाटाइल, ये ज्यादा देर तक वेपर फॉर्म में रहते ही नहीं, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठे फिर वापस, थोड़ा सा ऊपर उठे फिर वापस, इधर से भी हीट मिली, थोड़ी देर के लिए वेपर फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में वापस गिर जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हम अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर यहां फ्रैक्शंस के साथ अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ओपनिंग्स होती हैं, जैसे पेट्रोलियम के केस में, तो पेट्रोल के अलग अलग कंपोनेंट एक ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर अलग अलग टेम्परेचर की रेंज में सेपरेट हो जाते हैं। कि मान लो अब लो के ऊपर टेम्परेचर हाई होगा, लेट इट बी 370, तो ये वाला कंपोनेंट इधर सेपरेट हो गया, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर हो गया 340, इधर वाले को इधर निकाल लिया, इधर हो गया 320, इधर वाले को इधर निकाल लिया। एक ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हम अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। सो इट वॉज हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड एसीटोन, इसको हम इसी मेथड से सेपरेट करते हैं। और देखो, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इट इज 329 केल्विन, और मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, इट इज 338। एंड यस, दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मोर ओवर, पेट्रोल, पेट्रोलियम, इट इज ऑल्सो सेपरेटेड इन वेरियस कंपोनेंट्स, डीजल, पेट्रोल, ईथर, एसीटोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, by using fractional distillation. Let us understand the process of fractional distillation with an example. We have to separate acetone and benzene. Aur dono ke boiling points, acetone boils at 329 Kelvin and benzene, iska boiling point hota hai 353 Kelvin. Theek hai, ab ye dono mix ho gaye. Ab hume inko separate karna hai. Aur dono ka difference dekho, it is 24 Kelvin. तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे और यूज़ करेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, तो हमने जो भी हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क थी उसके अंदर ऐड किया एसीटोन और बेंजीन का मिक्सचर और ऊपर लगा दिया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम हीट करेंगे, दूसरी साइड वाटर कंडेंसर लगाया है सो दैट वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाए। तो जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 329, तो पहले किसके वेपर्स उठने शुरू होंगे, दे विल बी ऑफ एसीटोन। तो देखो, एसीटोन दूसरी साइड रिसीव हो गया। अब बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बहुत हाई है, तो उसके वेपर उठेंगे तो ज़रूर, लेकिन कॉलम से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया है, तो वो अंदर ही रहते रहेंगे। ठीक है, फिर जब टेम्परेचर पहुँचेगा 353, तो सेकेंड रिसीवर के अंदर बेंजीन को सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दिस इज वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जब आप प्रेशर को कम कर देते हो। नॉर्मली कोई भी लिक्विड कब बॉइल करता है, जब उसका इंटरनल वेपर प्रेशर उसके ऊपर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है, देन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। नॉर्मली अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज 373 केल्विन। कब? एट 1 एटमॉस्फेयर, जब टेम्परेचर है 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हम हाइट पे चले जाते हैं, ये आपके साइंस में क्वेश्चन भी रहता है, जब आप हाइट पे चले जाते हो, पहाड़ों के बहुत ऊपर चले जाते हो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइट के ऊपर जैसे जैसे हाई आल्टीट्यूड पे हम जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। इट इज नॉट 1 एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट 760 mm ऑफ मर्करी, इट विल बी लेसर देन 760 mm।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसे लिक्विड्स का क्या करें जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही टूट जाएं। हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं लेकिन वो ब्रेक कर जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को जब हम बॉइलिंग तक लेके आना चाहते हैं कि वी वांट टू मेक इट बॉइल, इट शुड बॉइल लाइक वाटर, तो व्हाट हैपेंस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 563 एट 760 mm ऑफ मर्करी और 1 एटमोस्फियर। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट इज 563। तो जब हम इतना टेम्परेचर अटेन करने की कोशिश करते हैं ये तो टूट जाता है। अब वेपर्स में हमें ग्लिसरॉल नहीं मिलता। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आपने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया, बट ग्लिसरॉल इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ये ग्लिसरॉल नहीं रहेगा, ग्लिसरॉल से छोटे वाले कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। तो ऐसे लिक्विड्स के लिए क्या करें? सिंपल, प्रेशर को कम कर दो। 1 एटमोस्फियर है तब ये बॉइल कर रहा है 563 के ऊपर, टेम्परेचर इसका जो प्रेशर है वो डाउन कर दो। तो जब इसका प्रेशर 12 mm रिड्यूस कर दिया जाता है, व्हेन इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 12 mm ऑफ मर्करी, तब इसकी बॉइलिंग 453 केल्विन पे हो जाती है। इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एज अ प्योर ग्लिसरॉल एट 453 केल्विन। सो इट वाज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड टूट जाता है और हम उसके प्योर वेपर्स नहीं बना सकते, तो व्हाट शुड बी डू, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रेशर को कम करना है, क्योंकि जब उसका इंटरनल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा तभी तो वो बॉइल करेगा ना। तो हमने प्रेशर को कम कर दिया, तो फिर ग्लिसरॉल इट बॉइल्स एट 553 केल्विन विदाउट डीकम्पोजिशन, बिना टूटे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर लिक्विड विल बॉइल एट लो टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ डीकम्पोजिशन विल नॉट बी रीच्ड। वो आएगा ही नहीं कि जिस पे उसको मॉलिक्यूल को टूट जाना है। टूटेगा कब? जब उसको 563 तक हीट करोगे। तो इट वॉज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली उन्हीं लिक्विड्स के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं विच डीकम्पोज एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट मेथड इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन आपने देखी होती है, जब किसी फंक्शन में जाते हो, कॉफी वाले भैया कॉफी बना रहे होते हैं तो वो एक साउंड सी आती है, स्टीम पास करते हैं आपके कॉफी के सॉल्यूशन में और उसमें फ्रोथ आ जाती है, झाग आ जाती है। तो अलग कंटेनर में स्टीम बन रही है, जग के अंदर उन्होंने मिल्क लिया, उसमें कॉफी डाली और स्टीम उसमें पास की। ठीक है, अब इसी प्रोसीजर को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज करने वाले हैं, देखना कैसे। इधर है मेरे पास एक कंटेनर, इसमें हमने प्योर वाटर रखा है, ठीक, इट इज सील्ड और इसको मैं नेक्स्ट कंटेनर में लेके जा रही हूं। दिस इज प्योर वाटर और वाटर किस लिए लिया है, टू जेनरेट स्टीम। ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं एंड वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम नाउ। ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ दीज आर वाटर वेपर्स, ये चले अगले कंटेनर की तरफ। ओके, फिर इसको मैंने शिफ्ट किया है एक और कंटेनर के अंदर और उस कंटेनर में हमारे पास कौन है, वो मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज ऑलवेज, ठीक है, और यहां से एक और सेपरेशन जा रही है आगे को, उसके बारे में मैं अभी बात करती हूं। तो इस कंटेनर के अंदर अब ये स्टीम भी इधर आ गई, यहां मैंने लिया है लिक्विड और ये स्टीम, जो स्टीम वाला पाइप है वो बिल्कुल लिक्विड के अंदर होना चाहिए और ये वाला वेपर जो है ऊपर उठेंगे तो ये लिक्विड से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका कॉफी का जग है और इधर से स्टीम बनी है और भैया ने नॉब घुमाई और वो स्टीम इसके अंदर पहुंच गई। तो ये मेरे पास इसके अंदर क्या है, दिस इज इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर है इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टीम इसके अंदर आई और आपको पता है स्टीम के अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो इन दो कंपोनेंट्स में एक ज्यादा वोलाटाइल होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा,
और एक लेस वोलाटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो मेरे पास एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा होता है, ओ नाइट्रोफिनोल एंड पी नाइट्रोफिनोल, ठीक है, मैं दोनों के स्ट्रक्चर्स भी बना के दिखा देती हूं। दिस इज फिनोल, दिस इज फिनोल, राइट। अगर ऑर्थो के ऊपर एनओ टू लगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अगर पैरा के ऊपर एनओ टू लगा तो पैरा नाइट्रोफिनोल। अब आपको दोनों स्ट्रक्चर्स को जरा देखो, सिमेट्रिकल कौन सा लग रहा है, विच स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल? क्वाइट ऑब्वियस, पैरा वाला, एक हेड पे है और एक टो पे है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और ये दोनों नजदीक नजदीक है अनसिमेट्रिकल। वो सिमेट्रिकल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, व्हाई इट इज लेस वोलाटाइल, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये भी एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इतना इंपैक्ट नहीं होता, उसमें देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी। पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, लेट मी टेल यू, ये रहा एक फिनोल, ये रहा दूसरा फिनोल, ठीक है, ओ एच, और इधर क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप, तो ये नाइट्रो के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसका नाइट्रो ग्रुप आगे वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ओ एच आगे वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका ओ एच नाइट्रो के ओ के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूल साथ साथ जुड़ गए, जुड़ जाएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर HOH हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, जबकि H2S इट्स अ गैस, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका मतलब अब ये जो कंपोनेंट है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इट इज मोर वोलाटाइल, मतलब इट इज हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, इट इज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, एक नंबर का क्वेश्चन, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। अब इस स्टीम के साथ जब इसमें स्टीम पास की, तो स्टीम के साथ किस चीज के वेपर, देखो स्टीम के पार्टिकल तो आगे जा रहे हैं, तो इसके साथ कौन आएगा, इसमें होगा स्टीम प्लस मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, मोर वोलाटाइल मतलब जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो इस स्टीम के साथ आगे बढ़ा, फिर आपको पता है यहां पे कंडेंसर लगा है, ठीक है, यहां पे कंडेंसर लगा है, पानी आ रहा है जा रहा है, ये पाइप फिर आगे हम किसी कंटेनर के अंदर लगा देते हैं, और इसमें से कौन कंपोनेंट आएगा स्टीम के साथ, दो कंपोनेंट थे ना, तो इसके अंदर कंपोनेंट ए पहुंच गया, लेट इट बी कंपोनेंट ए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो था, विच इज हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, राइट। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विच इज एप्रिशिएबली वोलाटाइल इन स्टीम फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का कम होता है, जिसका कम होता है वो स्टीम के साथ उठ जाएगा, दूसरे कंटेनर में सेपरेट हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट इन दिस फ्लास्क, वी विल लेफ्ट विद कंपोनेंट बी विच इज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, सो इट वॉज स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल क्यों, अगेन हमारे पास दो स्टॉपेज आने वाले हैं, ओके मेरे पास पहले एक एक्सट्रैक्टिंग फनल है, लेट मी टेल यू। अब ये जो एक्सट्रैक्टिंग हमारे पास प्रोसेस के लिए फनल है वो किस तरीके से रहती है, इट इज लाइक यहां ऊपर से इसका ढक्कन रहता है, ठीक है, ऐसे और इस तरीके से, ठीक है, दिस इज एक्सट्रैक्टिंग फनल लाइक दिस, और यहां बॉटम पे इसके ऐसे क्लंप रहता है, इस क्लंप को लूज करके हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहां यूज करते हैं,
हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने उसको पानी में घोल दिया, थोड़ा सा घुल गया, हमें ऐसा लग रहा है कि ये घुल गया हुआ पानी में, लेकिन आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटर डिजोल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें से, एक्वा सोल्यूशन में से। और इसके लिए बेसिक कंडीशंस क्या है, दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी मोर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होनी चाहिए। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट, इसके जो फीचर्स हैं, इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। और दूसरा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल, जिस सॉल्वेंट को आप यूज करने वाले हो वो पानी के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, अगर मिक्स हो गया तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इट शुड मेक अ सेपरेट लेयर, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म डालो, क्लोरोफॉर्म नीचे बॉटम पे सेटल हो जाती है, पानी ऊपर, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। बेंजीन डालिए, मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने लेना, इट शुड बी इमिसिबल इन वॉटर सो दैट ऑर्गेनिक लेयर एंड वॉटर लेयर कैन बी इजिली सेपरेटेड। तो ये पहले हमारे पास ये रही एक्वस लेयर, ठीक है, दिस इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं। ओके, हमने ये ढक्कन हटाया और ऊपर से इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया, क्या डाला, बेंजीन, ठीक है, इस केस में पर्टिकुलरली बेंजीन। तो बेंजीन जब यहां पहुंची तो बेंजीन ने यहां इसके ऊपर एक अलग लेयर बना ली। मैं इसको ऐसा करती हूं, बेंजीन की लेयर को, ये थी एक्वस की लेयर और ये बन गई बेंजीन की लेयर, ठीक, दिस इज ऑर्गेनिक लेयर शुरू में, ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिक लेयर। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां है, यहां नीचे, इसके बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर क्या किया, शेकिंग, शेक इट विग्रसली, जोर से इसको शेक करना है, इसको जोर से शेक किया फनल को। ओके, शेक करने के बाद आप इसको अलाउ करेंगे दैट इट शुड रिमेन डिस्टर्बेंस फ्री, अब इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, सो दैट दोनों लेयर्स बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब एक्वस लेयर, क्योंकि ऑर्गेनिक की लेयर ऊपर फ्लोट कर रही है वाटर के, तो ये रही ऑर्गेनिक की लेयर, लेकिन अब क्या होगा, इस ऑर्गेनिक की लेयर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया और वी आर लेफ्ट विद एक्वस लेयर, इट इज प्योरली वॉटर नाउ, दिस इज एक्वस लेयर एंड दिस इज ऑर्गेनिक लेयर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। समटाइम्स मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, आई नो, क्योंकि जब फ्लो में लिखती हूं तो ऐसा हो जाता है, सो कान भी मेरी तरफ लगा के रखो कि मैं बोल क्या रही हूं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक लेयर, इसको फिर से लिख देती हूं, नाउ अपर हमारे पास क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक लेयर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन विद बेंजीन, बेंजोइक एसिड पानी में घोला लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, व्हाई इट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, कि आप बेंजोइक एसिड को पानी से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो सारे का सारा नहीं आएगा, तो व्हाट वी डिड, हमने बेंजीन यूज किया क्योंकि उसमें वो आसानी से डिजोल्व कर जाएगा, तो उसको सेपरेटिंग फसल में, इसमें फनल में डाला, शेक, और थोड़ी देर के बाद आपने देखा पहले वो इसमें था एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इधर था, लेकिन अब वो चला गया इधर। फिर आप इस नॉब को हटाओगे, इसको निकाल लो, पानी अलग हो गया, देन यू विल बी लेफ्ट विद ऑर्गेनिक लेयर, उसको अलग कंटेनर में डाल लो। दिस इज द वे हाउ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोम मींस कलर,
एक तो इसमें हम कलर से उसकी पहचान करने वाले हैं, कंपोनेंट की कलर ही उसकी पहचान देगा। दूसरी बात, इट इज यूज्ड फॉर माइक्रो स्केल प्यूरिफिकेशन। जब हमारे पास मिक्सचर माइक्रो स्केल पे बहुत कम एक डॉट के बराबर होता है तब कैसे सेपरेट करेंगे, देन क्रोमेटोग्राफ इज यूज्ड, क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट दोज कंपोनेंट्स। सो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द रेट्स एट विच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर मूव थ्रू अ पोरस मीडियम, मतलब स्टेशनरी फेज, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सॉल्वेंट और गैस एज अ मूविंग फेज। ओके, मेरे पास लेट इट बी थ्री कंपोनेंट्स ए बी एंड सी, इनको मिला के बन गया मिक्सचर। ओके, तीनों का साइज अलग अलग है, तो ए का साइज सबसे बड़ा, ठीक है, तो इनका साइज भी क्या है, ए का साइज बड़ा है बी से, बी का साइज बड़ा है सी से, तो दिखती सी बात है जो मोटू होता है वो धीरे धीरे चलेगा और जो पतला होता है वो भागता हुआ निकल जाएगा। तो जो कंपोनेंट मिक्सचर का मोटा है, जिसका साइज बड़ा है, नेचुरली उसकी चलने की स्पीड क्या होगी, कम होगी, कम होगी ना। अगर आप मिट्टी पार्टिकल पड़े हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स पड़े हैं, आप पानी फेंकते हो, तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो उस पानी के साथ आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। सिंपल। तो देखो, जब भी हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, चाहे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, चाहे वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, छोटी क्लासेस में आप एक प्रैक्टिकल करते हैं कि ये कंटेनर के अंदर ये बड़ा सा एक जार होता है सिलिंड्रिकल हमारे पास, और उसमें हम यहाँ पे हैंग कर देते हैं पेपर को, है ना, फिर इस पेपर के, फिल्टर पेपर के थोड़ा सा बेस उठाकर, राइट, कोई 5 सेंटीमीटर हम पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, इसमें हमने सॉल्वेंट डाला होता है और इतना इतना ये सॉल्वेंट में डूबना चाहिए पेपर, है ना, और आप या तो प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट लेते हो, है ना, याद है, क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट लेते हो, या आप दो इंक्स को मिक्स कर देते हो, रेड एंड ब्लू, तो रेड ब्लू इंक को मिक्स किया और उस मिक्सचर का डॉट यहां पे लगाते हो, तो जैसे जैसे फिल्टर पेपर में ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ना शुरू होगा, सॉल्वेंट इसमें चढ़ना शुरू करेगा, फिल्टर पेपर उसको सोख लेता है ना, तो ऐसे ऐसे ये डॉट भी उसके साथ साथ मूव करती है, ऐसे शुरू में एक ही दिखाई देगी, करते करते आपको दोनों के अलग कलर दिखाई देंगे, ठीक है, ये आपने किया होगा, फिर आप उसका आर एफ फैक्टर निकालते हो, बेस से कितना ट्रेवल किया, तो दोनों इंक्स रेड और ब्लू, दोनों इंक का मूव करने का स्पीड अलग अलग होगा। तो माइक्रो स्केल था ना, जस्ट एक डॉट लगाई थी आपने, उसी तरीके से इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, टीएलसी। अब जो ज्यादातर यूज होती है दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, ओके, अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक तो हमें कॉलम चाहिए, और वो कॉलम नॉर्मली जैसे हम ब्यूरेट लेते हैं, दिस इज अ ब्यूरेट, ठीक है, यहां पे क्लंप लगा है, इधर हमने पानी ले लिया, ठीक है, इस ब्यूरेट में, पूरी ब्यूरेट के अंदर यहां तक हमने एक स्टेशनरी फेज भर दिया, एंड दिस इज मोस्टली एलुमिना, एलुमिना, एलुमिना कैसा दिखता है, हलवा बनाते हैं ना सूजी का, सेम वैसा एलुमिना भर दिया, और ये ब्यूरेट का ओपन है, यहां हमने छोटा सा कॉटन का प्लग रख दिया इधर भी और इसके बेस पे भी, सो दैट एलुमिना क्रॉस ना कर जाए, फिर हमने इस ब्यूरेट को भर दिया है पानी के साथ यहां तक, एलुमिना भी पानी में घोल के ही डाला है हमने ना, एलुमिना पानी में ही घोला हुआ है, ओके, अब ऊपर से हम पानी डालते जा रहे हैं, चलो मैं थिसल फनल रख देती हूं यहां पे, इसमें से पानी हम ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि ये पानी खत्म नहीं होना चाहिए, पानी चलते चलते, एलुमिना तो स्टेशनरी फेज है, दिस इज स्टेशनरी फेज, ये मूव नहीं करता, लेकिन इधर से जो हम वाटर यूज कर रहे हैं, वाटर इज मूविंग फेज, ठीक है, पानी चलता गया चलता गया, अब हमें जिस चीज को सेपरेट करना है, कंपोनेंट ए बी सी, तीनों को अलग अलग कंटेनर में मिक्स किया पानी में, फिर तीनों को एक कंटेनर में डाला और उसकी एक ड्रॉप उठा के यहां फेंक दी, इस ड्रॉप के अंदर है ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं इसकी आगे की स्टेज बनाती हूं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका, ठीक है,
यहाँ पे रखा है बीकर। तो ये पूरे कंटेनर के अंदर ऊपर तो पानी है, हम इसमें पानी ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, वाटर ऐड करते रहना है, उसको नहीं खत्म करना। और यहाँ पे कॉटन का प्लग है, इधर भी नीचे हमने कॉटन का प्लग रखा है, और ये लीजिए ये हमारे पास पैक्ड है एलुमिना, ठीक है, इसमें एलुमिना पैक है। चलो मैं एलुमिना को ऐसे बना देती हूँ, डार्क डार्क, ये पूरे का पूरा एलुमिना पैक्ड। अब जैसे ही वो ए बी सी मिक्सचर आगे बढ़ा, तो मैं एक में ही स्टेजेस बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे ही ये मिक्सचर आगे बढ़ा, पानी के साथ साथ पानी यहां गिरता जा रहा है, ठीक है, तो एक बैंड बन गया ऐसे। इस बैंड के अंदर तीनों चीजें हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड स्टेज के ऊपर, दिस वॉज फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज के अंदर दो बैंड बन गए। एक बैंड के अंदर, अब देखो साइज सबसे बड़ा है ए का, सी का सबसे छोटा, तो इस बैंड के अंदर रह गए ए और बी, और एक छोटा सा बैंड अलग हो गया क्योंकि छोटा है तो वो तेजी से भाग रहा है, सी। ये हो गई स्टेज टू। स्टेज थ्री के अंदर क्या हुआ, ए बी सी, ये तीन बैंड्स अलग अलग हो गए। ए का साइज सबसे बड़ा है, वो सबसे पीछे होगा, बी बीच में होगा, और सी सबसे आगे होगा। पानी के साथ चलते 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 सबसे पहले सी इसमें पहुंच जाएगा, फिर बी इसमें पहुंच जाएगा अलग कंटेनर में, फिर हम ए को भी निकाल लेंगे। तो इस टेक्निक से आपने ए बी और सी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, उनकी स्पीड के बेस पे आपने उनको सेपरेट किया। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, जो हमने वाटर से इन तीनों को अलग किया, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। इसको बोलते हैं इल्यूशन, हम इसको इल्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो इट वॉज क्रोमेटोग्राफी। और ये बैंड आपको डार्क नजर नहीं आएंगे। अब मान लो कि हम यूज कर रहे हैं आयरन, कोबाल्ट और क्रोमियम, तीनों का कलर अलग अलग है। अगर हम कॉपर यूज कर रहे हैं, तो इनमें से जो कॉपर है, ठीक है, अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता जाता है, तो कॉपर सबसे पहले आएगा। तो अगर सी कॉपर है तो ये ब्लू कलर का होगा, पानी में घुल गया ना, इट विल बी ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी से आप अलग अलग कंपोनेंट्स को माइक्रोस्केल के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, मेटल्स एंड द इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय द डिफरेंसेस इन देयर रिलेटिव एड्सॉर्प्शन विद एन एड्सॉर्बिंग मीडियम। कौन कितना एड्सॉर्ब होता है, हमारे पास एक होना चाहिए स्टेशनरी फेज और दूसरा जिसको हमने सेपरेट करना है। और मैंने आपको बताया था कॉलम बनाने के लिए ऊपर भी कॉटन प्लग रखते हैं और नीचे भी। फिर एक मोबाइल फेज होना चाहिए, मूविंग फेज होना चाहिए, जो इस कंपोनेंट जिनको हमने सेपरेट करना है उनको साथ लेके चले। तो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अलग अलग कलर्स के बैंड्स आ गए, ठीक, वाटर ऊपर से हम ऐड करते रहेंगे। तो पहले ये ब्लू कलर को सेपरेट कर लिया, उसके बाद फिर ये जो रेड कलर का कंपोनेंट है हमने उसको सेपरेट कर लिया। ये दो बैंड्स क्यों बने, क्योंकि इनकी जो एड्सॉर्प्शन थी वो अलग अलग थी, दो नहीं, रादर दिस वर थ्री कंपोनेंट्स, एक येलो कलर में साइड में हो गया। तो स्टेशनरी फेज वो अपनी जगह पे स्टिल है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम एलुमिना यूज करते हैं, Al2O3। अब क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह की है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, और लेबोरेटरीज के अंदर हम लोग कॉलम और पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन माइन्यूट क्वांटिटीज, मैंने बताया था ना माइक्रो, एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्प्योरिटीज आर नॉट मच डिफरेंट देन दैट ऑफ एलिमेंट्स टू बी प्योरिफाइड। उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस ही नहीं है, तो हम सिर्फ एड्सॉर्प्शन के बेस पर ही उसको सेपरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमने स्टेशनरी फेज ले लिया, एलुमिना और सिलिका जेल, ये मिक्सचर लिया जिसको हमें सेपरेट करना है, इसको ऐड किया इसके अंदर, और अब आप देखिए, अब हमें इसको इल्यूट करने के लिए, इसकी इल्यूशन करने के लिए वाटर और मोबाइल फेज, दैट इज कॉल्ड इल्यूंट। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। तो देखो तीन कलर बने थे, लाइट येलो, ब्लू एंड रेड, तो तीन बैंड्स हो गए, क्योंकि जो येलो वाला है दैट वाज
लीस्ट एब्जॉर्ब्ड, वो सबसे जल्दी पहुंच गया। सो इट वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी मैथड्स आपके सिलेबस में मैंशन थे, नो डाउट वी हैव डिलीटेड सिलेबस, लेकिन हमने सिलेबस पूरा किया है क्योंकि डिलीशन सिर्फ इस साल के लिए है, जेई मेन के लिए डिलीट कुछ नहीं हुआ। तो आपको सारा ही देखना है, नोट करना है कॉपी के अंदर, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बहुत जल्द। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।